जिसका हम सबको इंतजार था, फाइनली वो टाइम आने वाला है। जी हाँ दोस्तों, 13 सितंबर को 2.0 का टीजर आ रहा है और इसकी अनाउंसमेंट किया खुद अकीपा जी ने, और उन्होंने बताया कि इस फिल्म का जो ऑफिशियल टीजर है वो 13 सितंबर को आपको देखने को मिलेगा। और साथ ही साथ इस बात को कंफर्म किया रजनी सर ने और एमी जैक्सन ने, जिन्होंने ट्वीट करके बताया कि 13 सितंबर को इसका ऑफिशियल टीजर आ जाएगा। अब तक फिल्म के काफी सारे पोस्टर आ चुके हैं, पोस्टर काफी ज्यादा मजेदार है दोस्तों, और इस बात में कोई भी शक नहीं कि फिल्म बॉलीवुड के सभी रिकॉर्ड को तोड़ देगी, एक बहुत बड़ी ब्लॉकबस्टर फिल्म आप सबको देखने को मिलेगी। मैंने भी काफी ज्यादा इस फिल्म का वेट किया है, काफी बार इस फिल्म की जो रिलीज डेट है वो बदली गई है, लेकिन इस सब के बावजूद ये फिल्म एक बहुत बड़ी ब्लॉकबस्टर फिल्म साबित होने वाली है। और दोस्तों इस फिल्म की जो फाइनल रिलीज डेट है वो भी अब सामने आ चुकी है। फिल्म के डायरेक्टर एस शंकर का कहना है कि यह फिल्म 28 नवंबर को सिनेमाघरों में आ जाएगी और आप सब इस फिल्म को जाके देख सकते हैं, और मुझे पूरी उम्मीद है कि फिल्म आपको काफी ज्यादा एंटरटेन करने वाली है। इस फिल्म का जो बजट है वो करीब 500 करोड़ के आसपास का बताया जा रहा है, लेकिन इसके बावजूद ये फिल्म इंडिया की सबसे बड़ी ब्लॉकबस्टर फिल्म होने वाली है दोस्तों, क्योंकि इस बात के अंदर कोई भी शक नहीं कि पहले दिन ये फिल्म बॉक्स ऑफिस कमाल का प्रदर्शन करते हुए 100 करोड़ रुपए कमा के आएगी। जी हाँ दोस्तों, 100 करोड़ सुनने में आंकड़ा बहुत बड़ा लगता है दोस्तों, लेकिन ये सच है कि फिल्म पहले दिन ही 100 करोड़ की बिजनेस करेगी। और दोस्तों अगर हम बात करें म्यूजिक की तो वो भी काफी खतरनाक होने वाला है, क्योंकि इस फिल्म को म्यूजिक दिया है एआर रहमान ने, द ग्रेट एआर रहमान। दोस्तों ये सब जानने के बाद मैं खुद बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ फिल्म देखने के लिए, लेकिन उससे भी ज्यादा एक्साइटेड हूँ मैं एक्साइटेड हूँ अक्की पाजी को खलनायक के रूप में देखने के लिए, क्योंकि दोस्तों अक्की पाजी बॉलीवुड का वो फेस है जो हीरो बन के आते हैं और बॉलीवुड के बॉक्स ऑफिस पर छा जाते हैं, लेकिन बहुत दिनों बाद वो एक खलनायक के रूप में नजर आएंगे। और साथ ही साथ फिल्म में ऑल टाइम ग्रेट द रजनी पाजी वो आपको देखने को मिलेंगे, साथ ही साथ आपको एमी जैक्सन देखने को मिलेगी। तो दोस्तों ये फिल्म एंटरटेनमेंट से भरपूर होने वाली है, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब इस फिल्म को देखने जरूर जाओगे। मैं तो खुद दोस्तों इस फिल्म को देखने के कम से कम तो 4 बार जाऊंगा ही। तो अभी से आप इस फिल्म को देखने का अपने दोस्तों के साथ प्लान कीजिए, ताकि वो किसी और के साथ ना निकल जाए। अभी से आप प्लानिंग कर लीजिए कि आप अपने कौन से दोस्तों के साथ इस फिल्म को देखना चाहते हैं, लेकिन फिल्म देखिएगा जरूर, चाहे आपके दोस्त आपके साथ में जाए या ना जाए। और दोस्तों ये फिल्म आपको 3 लैंग्वेज में देखने को मिलेगी, पहली लैंग्वेज हिंदी, दूसरी तमिल और तेलुगु में। अगर दोस्तों अगर आप बॉलीवुड के फैन हैं और बॉलीवुड से जुड़े रहना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए।